बनेगी मटर पनीर। मटर पनीर सबके घरों में बनता है अलग अलग रेसिपी के साथ, अलग अलग स्वाद के साथ, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगी एक सीक्रेट मसाले के साथ में, जिसका स्वाद आप एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। कब मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए मटर, हमने मटर लिया एक पाव, इसको हमने बॉईल कर लिया है और रख लिया है, और दो अनियन चॉप किए हुए, 200 ग्राम पनीर है जिसको मैंने स्लाइस काट लिया है, इसमें मैंने लहसुन लिया है 3 से 4 और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, एक हरी मिर्च है और 2 इंच मैंने ये अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेके बारीक बारीक काट लिया है, और फ्रेश टमाटो की प्यूरी। सबसे पहले हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, इसमें हम सबसे पहले अपने पनीर को फ्राई करेंगे। ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है, हमने पनीर में थोड़ा सा हल्दी डाल दिया था ताकि उसका जो कलर है बहुत अच्छा है, तो आप ये ऑप्शनल है, आप जैसा रखना चाहें आप रख सकते हैं। ये हमने इसको फ्राई करने के लिए डाल दिया है। ये हमारा पनीर थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लेंगे जब तक कि लाइट ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए हमारा पनीर हल्का हल्का ब्राउन होने लग गया है, बस हम इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में, सारा पनीर निकाल लेंगे एक बाउल में। ये हमने सारा पनीर निकाल लिया है, अब हम उसी बचे हुए तेल का यूज करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे आधा स्पून जीरा और हम डालेंगे तेज पत्ता, एक छोटा सा टुकड़ा डालेंगे हम दालचीनी का, और आधी बड़ी इलायची, मैंने थोड़ी सी उसको तोड़ लिया था, भून गई है हमारा ऑलरेडी गर्म हो गया है। अब हम डालेंगे कटे हुए प्याज, हम इसमें डाल देंगे साथ में ये अदरक कटी हुई, साथ में डाल देंगे लहसुन कटा हुआ और ये एक हरी मिर्च, ये साथ में डाल दिया ताकि भून जाए अच्छे से, और हम इसे तब तक भून लेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। और हमारा प्याज है वो थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, कलर चेंज हो गया, अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी, और साथ में डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, ताकि ये हमारे प्याज के साथ अच्छे से भून जाए। बीच में हल्दी और धनिया डालने से बहुत ही अच्छा कलर आता है, कहते हैं कि सबसे पहले इंसान आंखों से खाता है, और इसमें हमने डाल दिया आधा चम्मच देगी मिर्च, देगी मिर्च से बहुत ही अच्छा कलर आता है। मसाले डालने के बाद हमें हमेशा मीडियम आंच में पकाना है ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जल ना जाए। ये देखिए अब हमारा प्याज बिल्कुल भून चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटो प्यूरी और इसको अच्छे से ना अच्छा कलर आया है। अब हम इसको टमाटर को थोड़ी देर ढक देंगे 1 से 2 मिनट पकने के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए रख देंगे पकने के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखेंगे हमारे टमाटर पक चुके हैं। टमाटर ऑयल निकलने लग गया है,
अब हम इसमें डालेंगे मटर, मटर को भी थोड़ी देर पका लेंगे इसी में। साथ में हम डाल देंगे नमक आधा चम्मच, ताकि मटर और टमाटर अच्छे से पक जाए। अब इसको हम 1 मिनट के लिए फिर से ढक देंगे। हो गया, अब हम चेक कर रहे हैं कि हमारा मसाले मिक्स हो गए हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, कितना अच्छा लग रहा है। अब हम एक इसमें 1 चम्मच क्रीम डाल देंगे। अगर क्रीम ना हो तो आप मलाई भी यूज़ कर सकते हो घर में, थोड़ी सी मलाई लेके और थोड़ा सा फैट ले, 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं। मलाई से थोड़ा सा स्मूथ हो जाएंगे और मसालों में अच्छा फ्लेवर आएगा। पानी ना इसमें आप डालिए 1 कप पहले। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपको कैसी ग्रेवी रखनी है, थिक ग्रेवी रखनी है या नॉन ग्रेवी रखनी है। मैंने 1 कप पानी डाला है। पानी मैंने डाला, मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा है क्योंकि ये बनने के बाद ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। आधा कप पानी मैंने और डाल दिया है। अब इसको हम उबलने तक पकाएंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन बंद कर देंगे ताकि इसमें बाहर आ जाए। हमने पहले आधा चम्मच नमक डाला था, आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं क्योंकि हमने टमाटर में पनीर डाला और आधा चम्मच नमक आप दोबारा जैसे आपको सही लगे आप डाल सकते हैं। देखिए आप बस इसको 1 मिनट और पकाएंगे। 1 मिनट हो गया है, मैंने आपको पहले बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जिससे पनीर का टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट और बहुत स्वादिष्ट होगा, और वो सीक्रेट मसाला है कैट का। ये कैट्स का मसाला, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपका जो पनीर है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनेगा, बिल्कुल मार्केट जैसा जो कि आप हमेशा खाते हैं। तो हम इसमें 1 टेबल स्पून कैट्स का मसाला यूज करेंगे। इसको यूज करने के बाद आपको बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आएगा जो कि आपने जैसे मार्केट वगैरह में पनीर यूज करते हैं बिल्कुल ही वैसा ही टेस्ट है इसका। इसमें आपको एक्स्ट्रा जैसे काजू बादाम जैसे हम ऐड करते हैं बहुत सारे पनीर के डिशेस में, उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इस मसाले से आपको बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। हमने बस ये मसाला डाल के इसको 30 सेकेंड तक धीमी आंच पे पकाना है। 30 सेकेंड्स के लिए मैं ढक्कन बंद कर रही हूँ ताकि इस मसाले का फ्लेवर अच्छे से पूरी ग्रेवी में मिक्स हो जाए। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, वाओ, बहुत ही यम्मी बना है हमारा ये पनीर। ध्यान से देखिए, देखिए पनीर कितना सॉफ्ट है, मैं आपको हाथ से चेक करवाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल टूट रहा है ये पनीर,
बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये कैट्स का मसाला है, इसका फ्लेवर इतना अल्टीमेट है ना, मेक श्योर जब भी आप इसको खाओगे आपको बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है और आप अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। अब हम करेंगे इसकी गार्निशिंग। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा मटर पनीर बिल्कुल ही रेडी है, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है देखने में, बहुत ही ज़्यादा स्वाद। थैंक्स फॉर कैट्स, स्पेशल थैंक्स फॉर कैट्स, जो कैट्स ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू कैट्स एंड थैंक यू गाइस। देखिए कितनी प्यारी डिश लग रही है, बहुत ही टेस्टी है, आप एक बार जरूर ट्राई करें अपने घर पे ये कैट्स के मसाले। और थैंक यू कैट्स।